फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कई देशों में प्रतिबंधित और साथ ही साथ भारत में भी प्रतिबंधित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक को बुलाए जाने पर अब भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसका विरोध भी दर्ज करवाने की बात कही है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री और साथ ही साथ प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहा है कि निश्चित तौर पर भारत इस मुद्दे को उठाएगा और इसकी कड़ी आपत्ति उन्होंने जताते हुए ये बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे मलेशियाई नागरिक है और उसे कहीं भी बुलाए, लेकिन उस मंच पर बुलाने का क्या औचित्य है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी ही नहीं है। ये हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है उनकी तरफ से बात की गई है। अब इसी के साथ भाजपा प्रवक्ता सावियो राडग्रिज ने मंगलवार को यह भी कहा है कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन और कतर जाने वाले भारतीयों से अपील है कि वो फीफा वर्ल्ड कप का बहिष्कार करें। उन्होंने ये बात अब कह दी है और इसी के साथ ये कहा है कि जब विश्व आतंकवाद से जूझ रहा है उस समय जाकिर नायक को ऐसा मंच देना जहां आतंकवाद का समर्थन और नफरत फैलाने की तरह है, ये बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है, इसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को ऐसा मंच देना जिससे वो आतंकवाद का प्रचार कर सके, क्योंकि वो हमेशा से ऐसी बातें बोलता आया है और इसी वजह से वो कई देशों में प्रतिबंधित है और अब वहां जाके अपना प्रचार करना साथ साथ आतंकवाद का प्रचार वो कर रहा है, ये कड़ी आपत्ति यहां पर बीजेपी प्रवक्ता और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से जताई गई है और साथ ही कहा है इसके खिलाफ यहां पर विरोध अपना भारत दर्ज करवाएगा। तो ये बड़ी बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है किस तरीके से कतर हमेशा से विवादों में है, सबसे पहले शराब बैन को लेकर स्टेडियम में और उसके बाद अब जाकिर नायक को लेकर वो घिरा हुआ है। कतर पर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, अब भारत ने भी इसका विरोध दर्ज करवा दिया। VK News, राष्ट्र के नाम।